डेली ट्रेन में आपका एक बार फिर स्वागत है और तेज हवा चलती हुई और ठंडक लगातार धीरे धीरे बढ़ती हुई और उम्मीद करिए कि नवंबर दिसंबर तक जो बहुत ठंड होगी उस समय, लेकिन एक गर्मी जरूर होगी जो इस बार कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि ये इस बार जो लेह लद्दाख पे ठंडक होगी उसमें गर्मी महसूस की जा सकती है और महसूस अभी से थोड़ी थोड़ी हो रही है। आज हम बात करते हुए तमाम सारे लोग यहाँ पे लेह के भी जुड़े हुए, हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए। अभय जी बिल्कुल मैं आपके पास आना है, मैंने देख लिया, लेकिन उससे पहले शाहनवाज जी से मैंने नाम लिया था, शाहनवाज जी बोलेंगे, देन कांग्रेस। मेरे एक मैंने आपसे अपनी एक तकलीफ बताई, दर्द बताया, वो ये कि मुझे आपका आउटपुट नहीं मिल पाता है, इसलिए कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी ये परेशानी है तो इसको आप हमारे साथ सहयोग कर लेंगे, थैंक यू सो मच। लेकिन एक नौजवान यहाँ से कुछ कहना चाहता है। जी क्या नाम है आपका? जुले, मेरा नाम कुनफिल है। जी आप क्या करते हैं? मैं बैंगलोर में बीबीए पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा, बैंगलोर में। हाँ, इस समय आए हुए, इस समय आया हूँ पैंडेमिक की वजह से। व्हाट यू वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से अभी इंडिया जिस स्टेटस पे है, मेरे ख्याल से सही टाइम है जवाब देने के लिए, क्योंकि पहले से काफी सालों से, 50-60 सालों से जब से है वो बॉर्डर पे तंग करती आ रही है हमारे फौजियों को, बॉर्डर पे छोटे मोटे होते रहते थे, पहले भी होता था, अब लेकिन बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, अब जवाब देने का सही टाइम है। हमने भी देखा, अब इंडिया बिल्कुल रेडी है मेरे ख्याल से जवाब देने के लिए और देना भी चाहिए। अब आपको लगता है कि हमारी जो कंट्री है जिस पोजीशन पे है, बीइंग आप स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है आप? नहीं, बीबीए, बीबीए के मैनेजमेंट के स्टूडेंट है। अब आपको लगता है कि हमारा मैनेजमेंट इतना दुरुस्त है एज फार एज द आर्मी इज कंसर्न और उसके एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न, कि हम अब आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं? किसी भी स्टेटस में ना भी हो तो अपने सिटीजंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना तो गवर्नमेंट का बनता है। क्या बात है, अगर ना भी हो, क्या बात है, क्या बात है। क्या एज है आपकी? मैं हूँ 20 ईयर्स का। भाई 20 साल के आपके शौर्य को मैं सलाम करता हूँ जनाबे अली, मैं आपके 20 साल का जो ये शौर्य है इसको भी सलाम करता हूँ। कहते ना भी हो, ना भी हो तो भी क्या हम जवाब नहीं देंगे। जोरावर सिंह का आपने उल्लेख किया था ना, जोरावर सिंह का, तो वही ये वही 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 उसी परंपरा के मुझे दिखाई पड़ते हैं, जोरावर सिंह का आपने उल्लेख किया था, और ये कहते हैं कि अगर वो भी ना भी हो तो क्या हम जवाब नहीं देंगे, और ये है जज्बा। शाहनवाज साहब देखिए, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। भैया जी आपकी जो ये डिबेट होती है ना, आपके जज्बे को सलाम करते हैं, यहाँ बैठकर बैठे हैं जी, वो उस जज्बे को पूरे हिंदुस्तान की तरफ से सलाम है। मैं अभी जब डिबेट कर रहा था तो मेरे इस पर मैसेज आया, इंदौर में बैठकर लोग देख रहे हैं। अमित जल्दी साहब आ रहे हैं, अमित जल्दी साहब आ रहा हूँ, नहीं बोले पूरी डिबेट में। शाहनवाज साहब ने आपकी डिबेट में नहीं डिस्टर्ब किया जब आप बोल रहे थे, प्लीज प्लीज जादी साहब, आप बहुत बहुत अच्छे डिबेट करते हैं, प्लीज ये दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट द तरीका नहीं आपकी आपकी डिबेट जब एक मिनट शाहनवाज साहब आपका आउटपुट में लोग आवाज कम करें ना भाई, मैं चुप रहता हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं कहूंगा, मुझे बड़े मजबूरी के साथ कहना पड़ रहा है, प्लीज इनकी ऑडियो डाउन करेंगे आमिर जैदी साहब की ऑडियो डाउन करेंगे, मजबूरी में मुझे डाउन करना पड़ रहा है, मैं नहीं चाहता था लेकिन मुझे डाउन करना पड़ रहा है, मुझे आमिर जैदी साहब ऑडियो डाउन करना पड़ रहा है। शाहनवाज हुसैन साहब प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। जी 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 बस एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह वहाँ भैया जी आप पहुंचे, मैं नहीं कहा कि आप एकदम बॉर्डर पे हैं, लेह लद्दाख में है ना भाई, आप एकदम जहाँ सेना खड़ी है वहां नहीं जा सकते, लेकिन जहां तक जा सकते हैं आप पहुंचे हैं, पूरे देश की तरफ से आपके इस जज्बे को सलाम किया, आपने वो नौजवान की बात सुनाई, पूरा देश खुश हुआ। इंदौर से एक मैसेज आया, वहां 50 लोग बैठकर कार्यक्रम देख रहे हैं, एक मयूरेश पिंगले हैं युवा, उन्होंने मुझे कहा कि ये बताइए भैया जी से पूछिए कि ये जैदी साहब और दुबे जी भारत के का मनोबल बढ़ाने को बैठे हैं या भारत चाइना का मनोबल बढ़ाने को बैठे हैं, ये इनकी बातों से ऐसा क्यों लगता है कि ये यही बोलते हैं भारत कमजोर है, देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, देश की सेना कमजोर है। अरे साहब, वहां नौजवान जो लेह में बोल रहा है उसकी आवाज भी आपके कान में नहीं पहुंच रही। तब मुझे मयूरेश पिंगले का मैसेज आया, मैं इस प्रोग्राम में रख देता हूं क्योंकि ये प्रोग्राम जनता का प्रोग्राम है और जो जनता से आप बात निकली है, लेह से जो बात निकली है वो दूर तलक जाएगी, चाइना को भी समझ में आएगा और आप